this module is again related to the evolution of modern world economy, where we are talking about the world of uh, pre-industrial europe. here we try to understand that before industrialization, how europe was growing, how it was emerging as an industrial state or industrial uh, region. Uh, here we need to understand about the developing economic role of the state. जो पहले हमने पॉइंट देखे हैं अब उनमें या तो हमने मार्केट की डेवलपमेंट देखी थी अर्बन सेंटर्स की डेवलपमेंट देखी थी ये सारा प्रोसेस देखा था और उसके बाद अब ये हम थोड़ा सा देखेंगे कि स्टेट जो है उसका क्या रोल है उस वक्त जो स्टेट थी वो किस तरह इमर्ज की किस तरह उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो अपियर हुई तो यहाँ पे जो ट्रेड रूट की लोकेशन होती थी ना वो बड़ी ग्रोथ को फेवर करती थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी क्योंकि जहां जहां से ट्रेड का रूट गुजरता है उसके साथ साथ एरिया जो है उनमें डेवलपमेंट का पोटेंशियल ग्रो करता जाता है और वो तेजी से डेवलप कर सकते हैं अब यहां पे जो रूट आइडेंटिफाई होता है उस वक्त जो ट्रेड होती थी उसमें एक नीदरलैंड आ रहा था इंग्लैंड आ रहा था और फ्रांस ये मेजर एरियाज थे जो उस ट्रेड रूट के ऊपर थे और इसलिए ये सारी की सारी तीनों कंट्रीज जो है ना बहुत बड़ी बेनिफिशरीज थी अपनी ग्रोथ के परस्पेक्टिव में ड्यू टू दिस ट्रेड स्पेन जो है उसमें हैप्सबर्ग मोनार्क स्ट्रेंथ हो गए वो अपने आप को उन्होंने स्ट्रांग कर लिया था आ, और वो चाहते थे कि एक नेशनल को हैशन हो क्योंकि वो एक पूरी की पूरी जो क्योंकि स्पेन का एम्पायर जो थी बड़ी थी तो वो अपने आप आपको इंटीग्रेटेड रखना चाहती थी वो चाहती थी कि हमारा स्ट्रांग कंट्रोल हो ये ना हो कि डिफरेंट सेगमेंट्स में हमारी ए, इसके सोसाइटी के वो अपने अपनी पावर ले लें तो उसके ले बाद फिर जो है सेंटर जो है वो वीक हो जाए इसलिए पावर ऑफ नेशन स्टेट जो है ना उसका एक कंसेप्ट आ गया यहां और वो अपने आप को स्ट्रांग करना शुरू हो गई स्टेट जो है डोमेस्टिक पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बेसिकली चेंज होता है और ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट के ऊपर क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ स्टेट जो होता है वो इकोनॉमिक uh, एडवांसमेंट की तरफ चला गया अब पहले इंटरेस्ट स्टेट का इंटरेस्ट जो था ना वो बहुत ज्यादा ये था कि पावर एकमुलेट कर लें और क्योंकि उस वक्त एम्पायर उस वक्त कॉलोनीस का कंसेप्ट था कि जितने ज्यादा आप कंट्रोल होगा अक्रॉस द वर्ल्ड जितने ज्यादा रीजन के ऊपर जितने एरियाज के ऊपर जितनी कंट्रीज के ऊपर उतने ज्यादा रिसोर्सेज आपके डिस्पोजल पे होंगे उतना ज्यादा आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं अब जब ये पोलिटिकल सिस्टम थोड़ा सा आया तो उसने पोलिटिकल पार जो है उसको थोड़ा चेंज किया और इंटरेस्ट जो था स्टेट का वो उसकी डायनास्टिक और या रिलीजियस ऑब्जेक्टिव से निकलकर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ या ग्रोथ की तरफ चला गया यानी पहले ज्यादा फोकस ये होता था कि जी हमारी डायनासिटी है ये हमारी प्रवेल करनी चाहिए और हमें यानी हमारा खानदान ही रूल करता रहे थ्रू आउट जब जितना भी मैक्सिमम कर सकता है या फिर रिलीजियस जो थे के जी हमारा ये रिलीजन है चूंकि इस रिलीजन को इस अक्रॉस द वर्ल्ड हमने स्प्रेड करना है तो ये रिलीजन ही प्रवेल करेगा तो ये एक ऑब्जेक्टिव होते थे लेकिन वो ऑब्जेक्टिव रिप्लेस हो गए विद पॉलिटिकल विल के जरिए तो एडवांसमेंट के लिए इकोनॉमिक एडवांसमेंट की तरफ दूसरी तरफ पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन जो थी वो हो रही थी उसने जो स्ट्रेंथन किया था इकोनॉमिक फ्लो को फ्रॉम पेरेफ्रीज से सेंटर से क्योंकि होता यह था कि पेरेफ्री से सेंटर की तरफ जो है ना वो इकोनॉमिक फ्लो को इंश्योर करने की कोशिश की पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन क्योंकि पॉलिटिकल पार जो होती थी वो एक सेंटर में होती थी इसलिए जितनी पेरफ्रीज होती थी वो उनके ऊपर अपना रूल जो अपना इन्फ्लुंस जो है वो अंडर द कंटेक्सट ऑफ टैक्सेज कलेक्शन डालती थी कि यार इनसे हमें रेवेन्यू जनरेट करना है तो वो इसलिए वहां से वो रेवेन्यू का फ्लो जो है वो होता था उसके अलावा उनके साथ ट्रेड करती थी और मोनोपलिस्टिक ट्रेड होती थी यानी वो अपने चॉइस ऑफ प्राइसिस के ऊपर उनको प्रोडक्ट सेल करती थी और वहां से एक मोनोप्री प्रॉफिट जनरेट करती थी तो इसलिए वो पेरेफ्रीज जो है उनकी एग्जिस्टेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उससे कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी अब एक ये स्ट्रेंथ जनरेट हुई इस पॉलिटिकल सेटअप की और दूसरा एक इसने वीकनेस भी जनरेट की और वीकनेस ये थी कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नीडेड एब्जॉर्ब प्रॉफिट एंड एक्सप्लाइटेशन नीडेड मोर मिलिट्री एक्सपेंडिचर अब ये पॉलिटिकल सेटअप को चलाने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी चाहिए थी और वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या करती थी वो जब सारे ट्रेड का प्रोसेस होता था या इंटरेक्शन या एक्सचेंज होती थी गुड्स एंड सर्विस की उसका एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मार्जन एब्जॉर्ब कर जाती थी अब जब वो एब्जॉर्ब करती थी तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की तरफ चली जाती थी और ये एक्सप्लेटेशन जो है डिफरेंट किस्म के जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं उनको जनरेट करती थी और बाद आप ये समझें कि चूंकि आज के दौर में तो बड़ा आसान है ना कि हम एक ही कंट्री में रहते हैं तो वहां पे तो अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो जैसा पुलिस के जरिए आप उसको हैंडल कर लेते हैं या किसी और फोर्सेज के जरिए लेकिन वहां पे आपके पास डिफरेंट कंट्रीज होती थी या डिफरेंट रीजन होते थे और वहां उन रीजन्स को अगर कोई रीजन इनकार कर देता कोई कंट्री या कोई सेगमेंट आपका इनकार कर देता था टैक्स देने से या उसकी प्रॉपर पेमेंट करने से तो फिर आपको फौज की जरूरत पड़ती थी मिलिट्री की जरूरत पड़ती थी फिर आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ता था और बाद तो वो क्लेम कर देते थे कि जी हम इसको खुद रन करेंगे तो ये सारे के सारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के ऊपर प्रेशर डालते थे तो एक तरफ तो ब्यूरोक्रेसी कुछ कैप्चर कर जाती थी इस सारे प्रोसेस में से प्रॉफिट और एक्सप्लॉटेशन जनरेट करती थी और उसका इंपैक्ट आता था रिबेलियन की शिप की तरफ और उसको हैंडल करने के लिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने पड़ते थे अब ये सारा प्रोसेस उस वक्त चलता था इस वजह से स्टेट जो है वो अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती थी स्मॉल स्टेट एफिशियट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग पोलिटिकल सिस्टम बट प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन की साइज ऑफ सिटीज एज अ मेजर मार्किट अब स्मॉल सिटीज के तौर पर तो ईजीली था मैनेज करना क्योंकि स्मॉल सिटीज की एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ी होती है और उसकी एक्टिविटीज भी थोड़ी होती है लेकिन चूंकि ये अर्बन सेंटर बन रहे थे खासतौर पर मार्किट्स डेवेलप हो रही थी और वहां पर माइग्रेशन भी हो रही थी और यह सारी चीजें जो है ना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही थी तो इसलिए नीड बढ़ती जा रही थी यहां पर हम ज्यादा क्या कहते हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको ज्यादा इंश्योर करें ताकि ये नो के बाद में ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाए फाइनेंस फॉर इंक्रीज जाएक्रेटिक एंड मिलिट्री एक्सपेंसिस इन स्टेट टू एक्ट एज कॉर्पोरेट बिजनेस एंटरप्राइज अब वो सारी जो फाइनेंसिंग करनी थी मिलिट्री को और वो जो ब्यूरोक्रेसी को मेनटेन करना था फिर क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो थी वो इंटरनल कंट्रोल कर रही थी और आप मिलिट्री के जरिए जो एक्सटर्नल कंट्रोल है उनके ऊपर वो होल्ड किए हुए थे यानी फिजिकल कंट्रोल उसके ऊपर होल्ड किए थे तो अब इनको फाइनेंस करने के लिए तो ज्यादा फंड्स चाहिए थे और ज्यादा फंड्स के लिए वो बजाय उसको कंट्री को एक वेलफेयर परस्पेक्टिव में देखने के उसको एक कारपोरेट बिजनेस के सेक्टर कंटेक्ट में देखनी थी यानी स्टेट समझती थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना है अपने जो जिन, जिस एरिया को हम रूल करते हैं अपने एम्पायर में से तो वो उसको एक बिजनेस परस्पेक्टिव में देखती थी कि यार ये हमारे लिए रिसोर्स जनरेशन के सोर्सेज हैं तो इसलिए उस परस्पेक्टिव में वो बहुत ज्यादा एफर्ट करती थी तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा एक किस्म की स्ट्रॉग और पावरफुल होना चाहती थी एज ऑफ मर्केंटलाइजेशन फिर आ गई उसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट एक्सपेंसिस जो थे वो बढ़ गए रेवेन्यू से फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्सेस से तो इस सारी सिचुएशन ने क्या किया एक नया कॉन्टेक्स दिया कि नेशनल प्रॉस्पेरिटी जो है ना वो बेसिकली फंक्शन है पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस का यानी आप जो ट्रेड करेंगे इंटरनली तो ट्रेडिशनल सोर्सेज से इतना टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जो कि आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को सपोर्ट कर सके तो आपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो आप ट्रेड करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड अक्रॉस रीजन उसका बैलेंस आपको सरप्लस रखना पड़ेगा यानी उससे आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट हो आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो इम्पोर्ट कम हो पेमेंट एक्सपोर्ट की इम्पोर्ट की पेमेंट कम करनी पड़े एक्सपोर्ट की रिसीव ज्यादा हो ताकि आपके पास ज्यादा वेल्थ कोमुलेट हो वो वेल्थ जो आपके पास कोमुलेट होगी वो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड हो सकती है इन फॉर्म ऑफ रिजर्व हो सकती है उसको आप अपनी लोकल डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी के लिए यूज कर सकते हैं तो ये इससे वेल्थ भी बिल्डअप होती है और दूसरी तरफ आपकी डोमेस्टिक करेंसी है वो भी साउंड होती जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी अक्रॉस द वर्ल्ड क्योंकि जब आप उसको ट्रेड में यूज करेंगे तो दूसरी कंट्री भी उसको एक्सेप्ट करेंगी क्योंकि उसके पीछे एक स्ट्रांग कंट्री खड़ी होगी तो ये सारे का सारा एक्सपोर्ट कर रहा था इकोनॉमिक एक्सपेंशन को तो ये प्रोसेस चल रहा था इस तरीके से तो यहां पे स्टेट का रोल बेसिकली ये हो गया था कि वो इस पूरे को एक बिजनेस के तौर पे चला रही थी ऐसा फिर नेविगेशन लॉज गए और टैरिफ इम्पोज किए हुए थे और पर्पज ये था कि इम्पोर्ट्स को प्रोहैबिट किया जाए अब चूकि होता यह था कि इंपोर्ट्स अगर ज्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी करंसी वीक हो जाएगी आपकी कंट्री का जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा तो ये चीजें रिवर्स इफेक्ट करेंगी इसलिए जस्ट टू अवॉइड दिस क्या करती थे वो इंपोज कर देते थे टैरिफ ज्यादा ताकि ट्रेड ना उसके जहां पे टैरिफ के जरिए काम हो सकता था जहां पे वो समझते थे कि नहीं टैरिफ काम नहीं करेगा वहां पे उनकी फिजिकल लॉस की जरूरत है तो वहाँ नेविगेशन लाज या दूसरे लाज लगा देते थे ताकि इम्पोर्टर ला ही ना सके आपकी कंट्री में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अब उस वक्त इस तरह बॉर्डर तो थे नहीं या जिस तरह हमारी आजकल बॉर्डर है क्या आप आराम से उनको चेक कर सकते हैं कि कौन आ रहा है और ट्रेड रूट बने होते हैं प्रॉपर रोड के जरिए सी रूट के जरिए पोर्ट के जरिए तो उस वक्त फिर ये होता था कि डिफरेंट किस्म के आपको रूल्स रेगुलेशन बना के डिफरेंट एरियाज पे लोगों को चेक करना पड़ता था कि वो किसी भी फॉर्म में एंटर ना हो इंपोर्ट्स लेके ना आए ताकि जो कंट्री की जो अपनी एक प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ पॉमुलेशन का प्रोसेस है वो अफेक्ट ना हो तो इसलिए स्टेट जो थी वो बड़ी स्ट्रांग हो रही थी एट दैट टाइम